शनिवार को यानी कल छठा फेज जो है लोकसभा चुनाव का हो जाएगा देश भर में, और उसके बाद सारा फोकस रहेगा 1 जून का, जब 7वां फेज होगा। और इस वक्त हम पंजाब में हैं, और पंजाब भी जो वोट करेगा वो 7वें फेज को करेगा, मतलब आखिरी चरण में करेगा, 1 जून को करेगा। आज हम जलंधर में खड़े हैं, जो हाँ बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी आज होने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, चुनावी रैली करने वाले हैं। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुशील रिंकू, उनके पक्ष में यहाँ पर रैली करेंगे। आपको मैं बता दूं, 2019 में जब चुनाव हुआ था, पंजाब की बात करें, पंजाब में 13 सीट हैं, और 2019 में जब चुनाव हुआ था तो 13 सीटों में से 8 सीट जो कांग्रेस पार्टी की थी, 2 श्रोमणी अकाली दल की थी, 2 बीजेपी की थी, और 1 सीट जो संगरूर की थी वो आम आदमी पार्टी ने जीती थी। अब 2024 है, लेकिन 2019 और 24 में बहुत कुछ बदल गया है। तब अगर राज्य की बात करें तो राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, और अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, 92 एमएलए बने हैं इस बार। और अगर लोकसभा की बात करें तो चीजें बदली हैं। श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी मिलकर लड़ते थे, लेकिन अब जो है श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी जो है अलग अलग लड़ रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 सीट पर लड़ती थी, वो अमृतसर में लड़ती थी, गुरदासपुर में लड़ती थी, और होशियारपुर में लड़ती थी। लेकिन अब अगर बात करें तो बीजेपी 13 की 13 सीट अकेले लड़ रही है। अकाली दल जो 10 सीट लड़ता था वो अकेले लड़ रहा है। पूरे देश में काफ़ी जगह पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। सो टेस्ट है आम आदमी पार्टी के लिए, जो 2022 में थंपिंग मेजोरिटी के साथ आई थी, कि वो क्या 13-0 को जो नारा भगवंत मान ने दिया है उसको पार लगाते हैं। कांग्रेस जो 18 सीट पर सिमट गई थी 2022 में, क्या वो रिवाइव करती है? 13 में से कितनी सीट जीत पाती है? प्रधान खुद लड़ रहे हैं उनके राजा बड़ेंग लुधियाना से। बीजेपी जिसने निर्णय लिया कि हम अकाली दल से अलायंस नहीं करेंगे पंजाब में, क्या वो अब 13 में से कुछ सीटें जीत पाती है कि नहीं, खास करके अपने स्ट्रांग होल्ड्स में? तभी बहुत ताकत लग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटियाला में थे, आज गुरदासपुर में रहेंगे, जलंधर में आएंगे, रैलीज करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसी तरह श्रोमणी अकाली दल, क्योंकि वो शुरू से ही एनडीए अलायंस में थी, एनडीए अलायंस खत्म होने के बाद अब वो कहाँ खड़े हैं, और लड़ पाते हैं अकेले, नहीं लड़ पाते हैं? वो टाइम लड़ तो रहे हैं, लेकिन उसका सीट कन्वर्जन होता है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। सारा जो ध्यान है वो बठिंडा की सीट पर है, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल जो है खुद लड़ रहे हैं, सुखबीर बादल इस बार नहीं लड़ रहे हैं। पिछली बार दोनों पति पत्नी जो है वो जीते थे फिरोजपुर से और बठिंडा से। सो अगर पूरे इलेक्शन को हम देखें तो आखिरी चरण पर बहुत ज़्यादा फोकस बन गया है। 1 जून को वो आखिरी चरण होगा, लेकिन अब बड़ी रैलियाँ होनी शुरू हो गई हैं। नरेंद्र मोदी जो हैं वो पंजाब के दौरे पर हैं, राहुल गांधी भी अमृतसर आ रहे हैं। सो अब बड़े नेताओं का आना यहाँ पर पंजाब में शुरू हो गया है। कौन पार्टी कितना जो है कामयाब होती है ये पंजाब के वोटर तय करेंगे, लेकिन जोर हर तरफ से लगा हुआ है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे श्रोमणी अकाली दल हो। हर पार्टी बाउंस बैक करना चाहती है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो 92 सीटों का प्रदर्शन जो 22 में किया था विधानसभा में उसको रिपीट करे, 13-0 यहाँ से जीत ले। कांग्रेस चाहती है कि वो रिपीट करे, जो पिछली बार 8 सीटें थी वहाँ तक पहुँच जाए, 2019 में जो 8 सीटें थी लोकसभा में। और श्रोमणी अकाली दल भी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि विधानसभा में 3 सीट में सिमट गया था, और बीजेपी एक स्पेस जनरेट करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने जो फैसला किया अकेले लड़ेंगे, तो 2027 के लिए वो एक रोड मैप देख रही है, एक विजन जो उसका पंजाब का है उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। हाँ, किसान एक है, जो किसान जो है वो नाराज हैं, कई जगह पर हमने देखा कि किसान जो है विरोध भी करते हैं। पिछले बार भी विरोध हुआ जब दिल्ली में बैठे, अब शंभू बॉर्डर पर भी बैठे हैं, सो बीजेपी नाराज हैं। लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी कहते हैं कि उन्होंने किसानों के लिए काफी कुछ किया है, उनकी पार्टी ने काफी कुछ किया, ये वो सब कन्वर्ट होता है कि नहीं वो टाइम बताएगा। लेकिन इस बार पंजाब का चुनाव इंटरेस्टिंग है। 1 जून पर सबकी नजर रहेगी कि कौन किसको वोट डालता है और क्या रिजल्ट रहता है। जलंधर से कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ असीम बस्सी, आज तक।